पेंटिंग्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शिव के पेंटिंग्स में जैसे शिव भगवान अभी बाहर आ जाएंगे, कि जैसे उसकी आंखें में उसमें जो दर्द है जो सती अंदर चली जाती है कुंड के अंदर, उसके बाद का जो उसकी लाल आंखें, जो उसका गुस्सा, उसका क्रोध, अगर जो विष्णु भगवान ने अगर उसके टुकड़े नहीं किए होते तो पूरे दुनिया का विनाश हो जाता। तो ऐसा हमको पेंटिंग से देख के उसकी स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैडम मुझे बहुत कुछ बता रहे थे मैडम स्टोरी, मगर पेंटिंग इज सेल्फ टेलिंग द स्टोरी बराबर। तो उसे लगता है कि पूरा शिव भगवान उसमें कितना क्रोधित है, उसमें उसको कितनी श्रद्धा और लागनी थी उसके लिए, सती के लिए, जो हाथ में पकड़ के ऐसे देख रहे हैं सामने। तो यू कैन फील द मोमेंट, उसको यू कैन फील द पेन, यू कैन फील द पेन फ्रॉम द पेंटिंग, फ्रॉम द आइज। सो मुझे मैडम को बोला कि अभी शिव जी भगवान बाहर आ जाएंगे और यहाँ के बैठेंगे ऐसा लग रहा है, देट इज़ द रियल, इसका जो पेन है वो दिख रहा है। तो इट इज़ अमेजिंग एंड ऑसम, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ पेंटिंग्स इन माई लाइफ। थैंक यू। जटाटवी गल जल प्रवाह पावितस्तले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका अमर डमर डमर निनाद अम्बयम चकार चंड तांडव हनोतु न शिव शिवम चटाकटा स ब्रह्म ब्रह्म निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी राजमान मूर्धनि जगद जगद जगज जवल लाल पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतक्षणम मम।